गुरुवार ठारु बीजेपीर जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ होबाकु थिबा बेले एथिरे शामिल हेबा पई केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केन्द्र रेल मंत्री अश्विन वैष्णव आज ओडिशा गस्तरे आसछन्थि। गुरुवार पूर्वाह्न 9:00 दुई मंत्री भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचिबा पोरे उभयंकु विपुल स्वागत संबोधना प्रदान करैथिला। विमान बंदर रे भुवनेश्वर लोकसभा सदस्य अपरजिता षडंगी समेत बहु बीजेपी नेता उपस्थित थिले। ओडिशा विधानसभा आगामी मौसुमीकालीन अधिवेशन सेप्टेम्बर 1 आरंभ होउछि। ए दृष्टिरु समस्त कोविड प्रतिषेधक नियम पालन करबा पई निष्पत्ति ग्रहण करायछि। गुरुवार एनै बाचस्पति डॉक्टर सूर्यनारायण पात्रक अध्यक्षतारे एक बैठक अनुष्ठित होइछि। बैठक रे समस्त विधायक ओ अधिकारीक आरटीपीसीआर टेस्ट पई निष्पत्ति नियाजैछि। केवल कोविड नेगेटिव सदस्यंकु ही विधानसभा रे प्रवेश अनुमति दियाजिबो। दीदींकु लागिछि झटका। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाइकोर्टरु लागिछि झटका। राज्यरे विधानसभा निर्वाचन परे सृष्टि होइतिबा हिंसाकांड मामलारे तदंत करिबो सीबीआई। कोलकाता हाइकोर्ट सीबीआईकु तदंत निर्देश देइछन्ति। राज्यरे निर्वाचन परे हत्या ओ दुष्कर्म परि मामला बढ़िबारे हाइकोर्ट एही निर्देश देइछन्ति। हिंसा घटना तदंत करिबा पई एक एसआईटी गठन करिबाकु मध्य निर्देश देइछन्ति कोर्ट। एही कमिटीरे जणे पश्चिमबंग क्याडर अधिकारी रहिबे। कोर्ट 6 सप्ताह मध्ये जांच रिपोर्ट दाखल करिबाकु सीबीआईकु निर्देश देइछन्ति। आसंता सेप्टेम्बर 1 खोलिब भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। आड़कड़ा पाखरु प्रभु लिंगराजंकु दर्शन करिबे भक्त। दर्शन समय सानिटाइज और मास्क परिधानकु गुरुत्व दियाजिब। तेबे जो माने डबल डोज टीका नेथिबे सेमाने ही मंदिर भितरकु प्रवेश करिपारिबे। अर्थात प्रभुंक दर्शन पई टीका प्रमाणपत्र बाध्यतामूलक। एथिसह मंदिर परिसर गहली करिबा और पान खाइबा उपरे निषेधादेश जारी करा जाइछि। एका सांगे 100 जनरु अधिक लोक प्रवेश करें। मंदिर भितर को जीवा पूर्व समस्त स्क्रीनिंग जनसाधारण स्वतंत्र नजर रखा पुलिस और मंदिर प्रशासन। मंदिर खोलिबा पूर्व यार परिसर को संपूर्ण सानिटाइज होने नुआ एसओपी जारी करा। बेले बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर लक्ष्मीकांत सेठी यही सूचना प्रदान कर। गंजाम जिलापाल पुणि स्मार्ट क्लास परिदर्शन करिछन्ति। शेरगड़ और हिंजिलकाड ब्लॉकर 50 स्मार्ट हाईस्कल को आसंता कालीठारु पर्याय क्रमे मुख्यमंत्री उद्घाटन करिबा पई चूड़ांत कार्यक्रम प्रस्तुति होइनथिबा बेले एपर्यंत केतेक विद्यालय कार्य संपूर्ण भाव निर्माण सरिनथिबारु उद्घाटन कार्यक्रम को परिवर्तन करि आसंता 21-30 तारिख मध्ये उद्घाटन करिबा पई राज्य सरकार पक्षरु प्रस्तुति कराइछि। जहाँ को नहीं जिला प्रशासन मुंडबिंधार कारण पाल्टिछि। जिलापाल विभिन्न स्कूल ग्रस्त कर निर्माण कार्य तुरंत शेष करने को तागिद कर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयदेव जेना पुओ तथा पूर्वतन राज्य युव कांग्रेस सभापति संग्राम केशरी जेना परलोक घटी। मृत्यु बेलू 44 वर्ष होता से कोविड में आक्रांत होगापर बेस किद दिन धरी हाइद्राबाद में चिकित्साधीन थे। आज सका संग्राम केशरी जेना परलोक घटना नहीं सान भाई मनोज गणमाम को सूचना देते। से कटक जिला कंग्रेस प्रभारी दायित्व तुलाउते। प्रदेश कांग्रेस कमिटर सभापति निरंजन पटनायक संग्राम केशरी जेना परलोक शोक प्रकाश करने शोक संतप्त परिवार को समवेदना जनाई। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार दिन एक गुरुत्वपूर्ण मामलार शुणानी करी कहिछन्ति जे स्वामी निज स्त्री को छाड़पत्र देई पारे किंतु पिलामानंकु नुहे। स्वामी निज पिलामानंकर जत्न नेबाकु पड़िबो। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार दिन जणे व्यक्तिंकु कहिछन्ति जे से तांकर पत्नी को छाड़पत्र देई पारिबे किंतु निज पिलामानंकु छाड़पत्र देई पारिबे नाही। काहेकि ना आपण सेमानंकु जन्म देइछन्ति। एया सह छाड़पत्र पई आवेदन करितिबा व्यक्तिंकु 6 सप्ताह मध्यरे पिलामानंकर रक्षणाबेक्षण पई 4 कोटी टंका देबाकु कहिछन्ति सुप्रीम कोर्ट। संविधानर 182 धारा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यही अधिकार को व्यवहार करते और दंपतिंकर पारस्परिक सम्मति आधार में छाड़पत्र आदेश को पारित कर। बर्बरतार सब सीमा टपि जाइछन्ति तालिबान आतंकवादी। एबे एपरी एक दृश्य सामना को आसी जहाँ आपंक विचलित करदेव। ए दृश्य काबुल एयरपोर्टर बोली सूचना मिली। लोकों ऊपरक किपरी आखिबुजा गुड़चाला करुंच तालिबानी आतंकवादी तहार भिडियो सामना को आसी। ए भिडियोटी गत 16 तारिखर बोली कहुची। तालिबान काबुल कब्जा करने अफगानिस्तान छाड़ापी काबुल एयरपोर्टे बहुसंख्यार लोक एकाठी होते आ भिड़ नियंत्रण करने आखिबुजा गुड़चाला करते तालिबान आतंकवादी। निज जीवन बचाई लोक मैंने यथासम्भव चेष्टा करते जी जोटि पारि लुचि जाते। अगस्त 16 तारिख दिन विमान में जीवापी लोकों मध्य दला चकटा भि परिस्थिति सृष्टि होता। विमान बंदर भितर जी बाहर ताठू अधिक लोक एकाठी होते।
ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଖଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ି ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଣାଶୁଣା ଆଇନଜୀବୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ କରି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ କଲେଜର ଶିକ୍ଷାର ବାତାବରଣକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉ। ଅଧ୍ୟାପକ ନଥିବାରୁ ବହୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଉଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ନିଜର ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ନାମରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସାକ୍ଷୀ ମହତାବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳର ମହାଦେବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ରହିଥିବା ସାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସ୍ୱାମୀ ଲୋକରଞ୍ଜନ ମହତାବ ଓ ଶାଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବୋହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ବିବାହରେ 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶାଶୁଘର ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଆଣିବାକୁ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯଦିଓ କୋର୍ଟ ଏହି ଦମ୍ପତିକୁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଶାଶୁଘର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଭୋପାଳର ମହାଦେବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ବାସିନ୍ଦା ସାକ୍ଷୀ 2016 ଓଡ଼ିଶାର କଟକରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ପୁଅ ଲୋକରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଲୋକରଞ୍ଜନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ।